मध्य प्रदेश विधानसभा के 23 विधानसभा क्षेत्र के लिए 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, उसके लिए मतदान जो है वो 3 नवंबर को होना है। ग्वालियर चंबल संभाग पर सबकी निगाहें हैं और देश के कृषि मंत्री और मुरैना के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने इस क्षेत्र में आज जो है दिमनी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू किया, गांव गांव जा रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मालवा निवाड़ के इस बाद ग्वालियर चंबल में जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका में है। वे भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर तो है ही हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें लोगों को समझाने, समीकरण साधने की भूमिका भी नरेंद्र सिंह जी निभा रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी ग्वालियर चंबल संभाग पर सबकी निगाहें हैं और जितनी सक्रियता आपकी है स्टार कैंपेनर के रूप में तो आप हैं ही हैं क्षेत्र में, उसके अलावा जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, तो क्या स्थितियां हैं ग्वालियर चंबल संभाग में? ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव पूरे परवान पर है, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लग गए हैं। मैं कई दिन से ग्वालियर संभाग की सीटों पर घूम रहा हूं, कल मैं इंदौर भी जाऊंगा आपके शहर में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर कि इस क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करने में सफल होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस से इस्तीफा देकर जो जनप्रतिनिधि आए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में, उनको लेकर कहीं ना कहीं असंतोष है और उसे साधने में नरेंद्र सिंह तोमर बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोई असंतोष नहीं है, यहाँ सारे लोग खड़े थे, ये सब भाजपा के लोग हैं, सब भाजपा को वोट दोगे कि नहीं बताइए, कहाँ असंतोष है? आपने अभी कहा कि उम्मीदवार से छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है, 15 महीने में गिरिराज दंडोतिया से भी कोई गलती हुई होगी, आज आपने कहा कि शिवमंगल सिंह तोमर भी यहाँ आते जो एक जमाने में उनके सामने चुनाव लड़ चुके हैं, तो आखिर क्या स्थितियां हैं कि जिसके चलते नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता को ये कहना पड़ रहा है कि आप उम्मीदवार को के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर को भी देखिए? ये स्वाभाविक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं इस क्षेत्र का सांसद हूँ, इस क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से ही मुरैना और चंबल का झंडा दिल्ली में ताकत के साथ गड़ा हुआ है, तो अगर मेरी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो वोट मुझे अपने लिए भी तो अपना ही पड़ेगा। शिवराज जी पिछले दिनों एक सभा में कहकर गए हैं कि अंबागी एक सभा में कहकर गए हैं कि देखना नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली में मोदी के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हैं तो अंबा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जरूर जितवा देना, ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए दरअसल क्या है, जब चुनाव में सभाएं होती हैं तो जो जिस क्षेत्र का रहने वाला होता है, मैं मुरैना का रहने वाला हूँ, ये सारे लोग मेरे परिवार के हैं, हम सब लोगों का एक ही खून है, हम सब लोगों का एक ही खानदान है, तो नेचुरल है कि जब इस क्षेत्र में कोई भी आदमी आएगा तो मेरा नाम लेगा ही। तो ये माना जाए कि ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को जितनी उम्मीद है उससे ज़्यादा सफलता मिलेगी? बिल्कुल, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, भाजपा को सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बरकरार रहना भी तय है? देखो कांग्रेस का तो जहाज डूबता हुआ है, अभी तो इन लोगों ने इस्तीफा दिया तो 22 लोगों ने दिया और 22 लोगों के बाद 28 हो गए और कल फिर डूबते जहाज पर से राहुल लोधी कूद गया, तो आप समझ लो कांग्रेस का क्या हाल देश में होने वाला है। नरेंद्र सिंह जी, कमलनाथ जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को मैनेज कर रही है उससे स्पष्ट लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव परिणामों को लेकर सशंकित है, वो अपनी हार मान चुके हैं, ऐसा कमलनाथ बार बार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को मैनेज नहीं कर रही है, कांग्रेस की नाव में जो लोग बैठे हैं उनको ये मालूम पड़ गया है कि छेद हो गया है तो नाव डूबेगी, तो बचना है तो कूद जाओ। आखिरी सवाल है, सरकारी कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है और जिस अंदाज में बोल रहे हैं कमलनाथ उनका अंदाज लगभग सरकारी कर्मचारियों को धमकाने वाला भी दिखता है। वैसे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी अधिकारियों के दम पर चुनाव नहीं लड़ती, मैं इस क्षेत्र में भी काम करता हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, आप अधिकारियों का इंटरव्यू ले लो, दुनिया ने फ़ोन किए होंगे, मैं कभी अधिकारियों को फ़ोन नहीं करता हूँ,
और मेरी मान्यता है कि चुनाव जिताने वाले ये लोग हैं, कोई थानेदार और कलेक्टर चुनाव नहीं जिताते। अगर उनकी इतनी हैसियत होती तो वही चुनाव नहीं लड़ जाते। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी।